सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, ऐसी खबरें जो विदेशों के अखबारों में छपती है, इस देश के युवा रोजगार चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, इस देश के लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा, वो कहाँ जाए? तो वो जब भी इनके पास जाते हैं तो ये तो एक ही आदमी का काम करने लगे। तो ये इंडिया एलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का एलायंस है जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते में लेके जाएगा। इंडिया गठबंधन में दरअसल तमाम नेताओं का फैसला क्या होगा? देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दरअसल मोदी शाह को छोड़ क्यों नहीं रहे? दर्शकों, आपको बताते चलें कि दरअसल इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक है वो 31 तारीख यानी आज हो रहा है। इसमें सस्पेंस चेहरे को लेकर फंसा है, लेकिन मुद्दे में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मोदी सरकार के हर मुद्दे पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे, स्वागत हुआ, और किस तरीके से मोदी साहब पर बरसते नजर आए, जरा गौर से इस तस्वीर को देखें। इंडिया अलायंस जो है ये कोई चंद पार्टियों का अलायंस है, ये इंडिया अलायंस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, ये आम लोगों का अलायंस है, और ये अलायंस भारत को 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने का अलायंस है। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश को एक तरह से 30 साल पीछे कर दिया। जितना भ्रष्टाचार है, आज़ादी के बाद की मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है। आज हम सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी हैं भारत के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, ऐसी खबरें जो विदेशों के अखबारों में छपती है, मीडिया में छपती है। इस देश के युवा रोजगार चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, इस देश के लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा, वो कहाँ जाए? तो वो जब भी इनके पास जाते हैं तो ये तो एक ही आदमी का काम करने लगे। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का अलायंस है जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते में लेके जाए। जैसा कि अलायंस जो है ये कोई राजनीतिक लेवल का या कोई अपनी सीटें बढ़ाने या कम करने का नहीं, ये देश को बचाने का अलायंस है। आज जो फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है, कैसे कैसे तंग किया जा रहा है राज्यों को, वो राज्य जो इनके पक्ष में फतवा नहीं देते, मैंडेट नहीं देते, तो एक तरफ से हम एक डिक्टेटरशिप जो है उसकी फीलिंग आ रही है, और विदेशों में खतरे छप रही हैं, और विदेशों की जो पार्लियामेंट्स उसमें डिबेट्स चल रही है। तो इंडिया जो अलायंस है वो तो सचमुच में इंडिया भारत है, 140 करोड़ लोग इसका चेहरा है, शायद आपका अगला क्वेश्चन भी होगा कि चेहरा पता, 140 करोड़ लोग इसका चेहरा है, और सभी लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, और ये हमारे पुरखों ने, हमारे शहीदों ने ये अपनी जान कुर्बान करके हमें ये देश देके दिया, और इस देश को हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकते। इसलिए हम लोग जो बैठे हुए हैं अपने पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठ के पार्टी लेवल पर उठ के, देश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि जीतेगा भारत, बढ़ेगा भारत, और इंडिया अलायंस जो है इसमें हम लोग जहाँ भी हमारा कोई अपना एजेंडा हम लेके जाएंगे उद्देश्य का है। देखा आपने, साफ शब्दों में सवाल पूछ रहे हैं,
चाहे वो अडानी मामले को लेकर हो, ईडी सीबीआई मसले को लेकर हो, या फिर मोदी सरकार के करतूतों पर हो। और ये सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि सत्ता से सवाल तो पूछे जाने चाहिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को, उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को तोड़ा गया, डराया गया, दहशत फैलाया गया, इसमें कोई गुनाह नहीं कि सीएम अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है मोदी सरकार के हालातों को देखते हुए। लेकिन क्या मोदी सरकार के पास इन सवालों का जवाब है? क्या सीएम केजरीवाल के सवालों का जवाब दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं इस मसले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़। नमस्कार।